एक घर है एक सरकारी नौकरी। और यह बात मैं नहीं कह रहा, ये हमारे आदरणीय सीएम श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी खुद यह बात कह रहे हैं, जैसा कि आप अभी देखोगे। अपना रोजगार करने के लिए बैंकों से उनको लोन दिलाएंगे। हमारा पहला काम यह है कि एक एक परिवार में से एक एक व्यक्ति को आगे बढ़ा के काम में सिखाएं। कोई थोथा नारा नहीं देंगे कि हम एक ही दिन में सबकी गरीबी हटा देंगे या हम हर किसी के खाते में इतने पैसे डाल देंगे। व्यक्ति को पैरों पर खड़ा करना है, उसी को जागरूक करना पड़ेगा। भाई काम करेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो बैठा रहेगा। इसलिए हम लोग इस ओर आगे बढ़े। हाँ, योग्य जो बालक है अच्छे पढ़ लिख करके सरकारी नौकरियों में भी उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन बहुत सीमित होती है। अच्छे पढ़े लिखे अच्छे नंबर लेकर के ही वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसमें हमने रियायत थोड़ी दी है। रियायत क्या दी है कि जिस परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी नहीं दी है, उसको 5% अतिरिक्त अंक दे करके भी उसकी नौकरी देने के लिए उसको आगे लाएंगे, उसको 5 नंबर ज्यादा देंगे। ताकि किसी घर में 4 है तो काम चल रहा है, 3 है तो काम चल रहा है, 2 है तो काम चल रहा है, एक भी सरकारी नौकरी में थोड़ा बहुत काम उसका चलता है, लेकिन जिसके घर में एक भी नहीं है उसके घर में भी तो एक आदमी आना चाहिए। रुको जरा, सब्र करो, पिक्चर अभी बाकी है। परिवार पहचान पत्र, अंग्रेजी में उसको फैमिली आईडी भी कह सकते हैं, उसमें क्या किया कि हर एक परिवार का डाटा अपने इकट्ठा किया कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कमाई काम करते हैं, बेकार हैं, बेरोजगार हैं, महिलाएं घर का काम काज करती हैं, बुजुर्ग हैं, उनमें कोई बीमार तो नहीं है। ऐसे हर एक परिवार के सदस्य की हमने जानकारी लेकर उसका डाटा तैयार किया और फिर उनकी आय पूछी हमने कि आपकी आय कितनी है। अब आय बताने वालों में उससे किसी ने 50,000 बताई, किसी ने 1,00,000 बताई साल की, किसी ने 2,00,000, किसी ने 3,00,000, जितने जिसकी है उसने बताई। ये अलग बात है कि बहुत लोगों के मन में जब लालच आता है तो 5,00,000 वाला भी कहता 2,00,000 है और 2,00,000 वाला भी कहता मेरी 50,000 है। उनको एक लालच मन में आ जाता है कि थोड़ी बताएंगे तो शायद है कि ये जो कमजोर आदमी है इसकी पहचान ठीक हो गई तो फिर इनके परिवार का एक सदस्य उसको रोजगार के लायक बनाएंगे। ये हमारा काम है और इसने हमने आगे बढ़े हैं। और अब सीएम साहब बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री गरीब अंत्योदय उत्थान योजना के बारे में, जो योजना आके चली भी गई है और आपने उसका बनती नहीं लगी। कारण यो है कि आपने उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर आप इब भी इस चैनल में सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन ऑन कर दे हो तो भविष्य में हरियाणा सरकार के द्वारा कोई भी स्कीम आव है या किसी प्रकार की आपके बच्चों के भविष्य के लिए गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी प्रकार का कोई एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक आव है उसकी जानकारी आपने समय पर मिलती रहोगी। ईब सुनो आप मुख्यमंत्री की बात। 6.5 लाख मेंबर हैं, 6,05,000 परिवार जिनकी आय साल की केवल 1,00,000 रुपए से नीचे है, 1,00,000 से नीचे है। हमने सबसे पहले फिर भी वो गरीबी गुरबत में से निकल नहीं पा रहा है तो हमने सबसे पहले जो 1,00,000 से नीचे परिवार हैं इनके घरों में कौन आदमी काम करने लायक है उसको चिन्हित किया, सरकारी संदेश भेजा, उसको एक जगह बुलाया, हमने मेले लगाए रोजगार के और उन रोजगार के मेलों में उनसे पूछा क्या कर सकते हो। किसी ने कहा मैं गाय भैंस पाल सकता हूं, किसी ने कहा छोटा उद्योग कर सकता हूं, किसी ने कहा मैं दुकान चला सकता हूं, ऐसे तरह तरह के काम लोगों ने बताए हैं। किसी ने कहा कि मेरे पास जगह नहीं है वरना मैं छोटा सा घर में जो काम करता हूं इसको अगर कहीं दुकान हो जाए मेरे पास तो मैं अच्छा काम कर सकता हूं। एक नाई का परिवार आया, वो कहने लगा मैं घर में बाल काटता हूं, मुझे पैसा 1,00,000 मिल जाए तो मैं दुकान के अंदर अच्छी उसकी फिटिंग करा करके बढ़िया सैलून बना सकता हूं ताकि लोग। हरियाणा के 7,00,000 परिवार हैं, इन 7 के 7,00,000 परिवारों को कैसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए ये हमारे लिए चुनौती है। हमने इसको स्वीकार किया है और हम करके छोड़े गए। मेरी आपको एक गुजारिश है, आपसे एक प्रार्थना है कि जिन परिवारों की जो मैं 1,05,000 बता रहा हूं अब आपके बीच में ही होंगे, गांव में है, शहर में, कहीं भी है, चिन्हित करो और कौन आदमी उसमें काम करने वाला है। कोई यंग आदमी, नौजवान 20-25 साल का है या 30-35 साल का है या कोई। आज मैं घोषणा कर रहा हूं आपके बीच में कि हम हर जिले में एक अंत्योदय कौशल विकास केंद्र ये खोलेंगे। अंत्योदय विकास योजना के अंतर्गत अंत्योदय कौशल विकास केंद्र हर जिले में एक शुरू में खोलेंगे और उसमें जो पढ़ाने वाले आप ही लोगों में से लाएंगे हम, यानी जो लोग अपने हाथ का काम करते हैं, बहुत हुनर है लोगों के हाथ में,
ऐसा नहीं है कि हमारे बैकवर्ड क्लास का आदमी तो पहले अपना यानी कारीगर पहले है, वो हाथ का काम करना जानता है, उसके पास समझ बहुत है, तरह तरह के काम करने में निपुण है। अब उन सब लोगों को जो अपने घर में बैठा काम कर रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको सैलरी देंगे, उनको पैसा देंगे ताकि उन मोहल्लों के लोगों को पढ़ा सके, उसको हम स्थान देंगे, उसको साधन देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जो चीज चाहिए उसको देंगे। लेकिन जो पहले से अपने घर में काम करता है इसको हम परंपरा विकास योजना, गुरु शिष्य परंपरा विकास योजना। और यही नहीं, हरियाणा के जो कुशल कारीगर हैं, वो चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे SC ST का हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो, अगर जो भी कुशल कारीगर है उनको विदेश भेजने के लिए भी एक अलग से विभाग बना दिया गया है। अब जो कुशल कारीगर है उनको भी विदेशों में नौकरी पाने का मौका मिलेगा और हरियाणा सरकार खुद उनको वीजा पासपोर्ट उनका बनवा के खुद उनको जॉब पर भेजेगी। यह चीज भी आप खुद हमारे आदरणीय CM साहब के मुंह से सुन लो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से इस चैनल ने कर लो सब्सक्राइब और इस बेल आइकन ने कर दो ऑन, ताकि भविष्य में हरियाणा रिलेटेड कोई भी स्कीम आओ है या फिर आपके बच्चों के लिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब आओ है उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जावे और उसकी पूरी जानकारी आपने समय पर मिलती रहे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जैसे कोई भी कारीगर है, कोई मिस्त्री है, मकान बनाता है, वो जो मिस्त्री है कि हमको 5,000 कारीगर दे दो, हमको 2,000 वेल्डर दे दो, हमको 2,000 इलेक्ट्रिशियन दे दो, हमको टाइल लगाने वाले लोग दे दो, इस प्रकार की डिमांड विदेशों से बहुत है, बहुत बड़ी डिमांड है। हम इन्हीं सीखे हुए बच्चों को विदेश भेजने का भी प्रबंध कर रहे हैं, इसके लिए अलग से हमने विभाग बनाया है और उस विभाग का नाम है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, विदेश सहयोग विभाग। ये अलग से हमने एक मिनिस्ट्री बना दी है कि ऐसे विदेश से जो मांग आती है हम अपने जो लड़के बच्चे सीखे हुए हैं उन सीखे हुए लड़कों को वहां भेजें ताकि ठीक से अच्छी सैलरी लेकर के यहां आएंगे, केंद्र कला सीखने के लिए आएंगे, उनको भी स्टाइफंड देंगे, केवल सिखाने वाले को नहीं, जो सीखने वाला गरीब परिवार का बच्चा है उसको भी मासिक कुछ ना कुछ 2,000-3,000 की राशि देंगे ताकि अपनी जेब खर्ची तब तक वो चला सके, 3 महीने के 6 महीने के कोर्स ये कराने वाले हैं।